हेलो बच्चों, मैं मंदीप देशवाल और आप सब हमारी वीडियो देख रहे हैं द एडमेट चैनल के माध्यम से। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश की क्लास में जो किया था वो था हमारा लेसन वन। हमने दो वीडियो जो है लेसन वन की आपके साथ शेयर की थी। पहली जो वीडियो थी वो थी ओपनिंग डे, जो पोयम थी उसको रीडिंग और उसके वर्ड मीनिंग्स के लिए, और जो सेकेंड वीडियो थी वो थी उसकी एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आइए हमारे दूसरे लेसन पर चलते हैं जिसका नाम है द लॉयन किंग। अब ये लॉयन किंग हम स्टार्ट करने से पहले जाना चाहेंगे, यहाँ जो ऊपर दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट से अच्छी तरह परिचित होंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा पर्यावरण। और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जंतु, तो उनका कंजर्वेशन, उनको बचाना, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना, उनको विलुप्त होने से बचाना। बच्चों, जो जीवन है हमारा है, पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है, जो भी जीव जंतु हैं, किसी का भी जो जीवन है वो प्रकृति की ही देन है। हम इंसानों को इसे नष्ट करने का, तबाह करने का कोई हक नहीं है और ना ही किसी को। ऐसा प्रकृति ने हमें वन, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे और जाने पता नहीं कितने कितने उपहार जो है वो दिए हैं और हमारे लिए प्रगति के मार्ग खोले हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो उस वरदान को, उस प्रकृति के उपहार को नष्ट करता जा रहा है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो एनवायरनमेंट और नेचर का जो एरिया है वो बहुत वास्ट, अगर मैं यहाँ कहने लग जाऊँ तो शायद कई घंटों तक भी वो बात जो है अधूरी ही रह जाएगी। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं अब। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये तो कहूँगा ही के द एडमेट जो हमारा जो एजुकेशनल चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आती हैं उन्हें लाइक और शेयर करें। लेकिन इसी के साथ आज जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट जो आया है यहाँ, तो मैं एक और चैनल अपना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसका नाम है सुपर अर्थ फाउंडेशन। ये हमारा एक ट्रस्ट है, सुपर अर्थ फाउंडेशन, जो नेचर के लिए जागरूक और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत है। तो द एडमेट के साथ साथ मैं आपको सुपर अर्थ फाउंडेशन का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सुपर सीओ, मैं चाहूँगा कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं हमारी वहाँ उन्हें देखें और आप भी इस प्रकृति को संवारने में हमारा सहयोग दें, हमसे जुड़ें। तो आइए अब अपना लेसन नंबर दो लाइन किंग शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्टोरीज जो है हम पैदा होने के साल 6 महीने के बाद जो है सुनने लग जाते हैं। हमारी मम्मी, हमारी दादी, पापा जो भी हैं हमें कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। तो हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? आज तक आप जो है 5th क्लास में हो, आज तक आपने जो है कोई स्टोरी ऐसी सुनी है किसी एनिमल के बारे में? आई होप आप सभी ने सुनी होगी, किसी ना किसी एनिमल के बारे में सुनी होगी। तो हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? Why is he called the king of the forest? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो आइए, ये जो कहानी है ये एक शेर की है, उसके जंगल की है। तो देखते हैं इस कहानी के जरिए जो शेर है वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल, मेरा जो साम्राज्य है, मेरा जो ये राज्य है, जो जंगल है, वो एक टाइम में बहुत सुंदर होता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, जो आज हमारी बहुमंजिला इमारतें हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर और उनसे भी ज्यादा ऊंचे जो हैं उसके जंगल के पेड़ होते थे। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेज, श्रब्स एंड ग्रास टू। तो वहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ ही नहीं, वहां पर लताएं, झाड़ियां तथा घास भी थी। द फॉरेस्ट लुक ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी। तो जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो पानी के झरने, तालाब, पहाड़ियों, घाटियों तथा अनेक अद्भुत दृश्यों के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। तो नेक्स्ट पैरा है, डियर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्स, पिकॉक्स, मैनाज, ऑल, पिजन एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। तो जंगल का राजा शेर क्या कहता है कि जो मेरी प्रजा है उसमें हिरन, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िया, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर तथा अन्य और भी पशु पक्षी थे। वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। My birds sang the sweetest song.
माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस. आवर चिल्ड्रन द कब्स लैम्स एंड फॉन्स मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर. वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम. तो जो जंगल का राजा है वो अपने घर के बारे में, अपने जंगल के बारे में क्या कहता है कि वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक. तो हमारे पास बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी था और खाने के लिए चीजें थी. माई बर्ड सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग. मेरी जो पक्षियां हैं, मेरे जो राज्य की जो पक्षियां थी वो सबसे मधुर गाना गाती थी. माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस. मेरे जंगल के जो जानवर थे वो सबसे लंबी दौड़े लगाते थे. आवर चिल्ड्रन कब्स लैम्स फॉन्स मूव्ड फ्रीली. जो हमारे जो बच्चे थे, शेर के बच्चे, मेमने के तथा हिरण के बच्चे, बिना किसी डर के घूमते थे. मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर. वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट. हम सब जंगल में बहुत खुशी से रह रहे थे. तो ये जो है शेर का चित्र दिया हुआ है, यहाँ फोटो दी हुई है जो कि एक जंगल का राजा है. नेक्स्ट पेज. द हिल ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड विद अस. पहाड़ी कबीले के लोग भी हमारे साथ रहते थे. दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम. और वो सभी, वो जो कबीले वाले जो रहते थे, वो सभी जो है जंगल से उन्हें जितना मिला, जंगल ने उन्हें जितना दिया, वो सब उससे खुश थे. दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड. वो जंगल को भगवान की तरह पूजते थे. दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस. वे धरती के इस टच को, स्पर्श को, हवा की जो महक है, हवा की जो सुगंध है उसको, तथा फ्रेशनेस जो है एनवायरनमेंट में जो फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है, उसके स्वाद में आनंद लेते थे. एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम. तो जंगल का राजा शेर जो है वो क्या कहता है कि जो पहाड़ी कबीले वाले थे वो इस जंगल को बहुत ही प्यार करते थे, प्रेम करते थे, और हमें भी कभी उन्होंने तंग नहीं किया, हमारी स्वतंत्रता का भी आदर करते थे. आगे है, बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड. लेकिन अब क्या हुआ, सब बदल गया. यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम. तुम सभ्य लोग, सभ्य जो हम मानते हैं, जो हम समझते हैं, सभ्य समझते हैं इन जंगलों को काटकर, ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर जो सभ्य बने हुए हैं, तो उन्हें जो जंगल का राजा वो क्या कहता है कि यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम. तुम मेरे साम्राज्य में घुसे, तुम मेरे राज्य में घुस गए. आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी. मैंने सोचा कि तुम मेरे राज्य की सुंदरता का आनंद लेने आए हो. आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम. तुम्हें दर्शक के तौर पर देखकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे अपने साम्राज्य पर गर्व था, प्राउड था मैं अपने साम्राज्य पर. बट आई वॉज रॉन्ग. लेकिन मैं गलत हूं. यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड. तुम कैसे हो, तुम लालची हो और निर्दयी हो. यू कट ट्रीज फॉर यूर सेल्फिश वॉन्ट्स. तुमने जो है हमारे पेड़ों को काट दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी सेल्फिश के लिए. You hunt animals for flesh, skin, tusks and claws. तो तुमने जो है हमारे जंगलों के जानवरों का मांस, खाल, हाथी दांत और पंजों के लिए जो जानवर है उनका शिकार किया. Many of my subjects died and our number decreased. मेरी जो प्रजा के जो जीव जंतु हैं उनके जो नंबर हैं वो कम हो गए, क्योंकि तुमने उनका शिकार किया, तुमने उन्हें मारा अपने फायदे के लिए. Most of the trees were cut and the forest became bare. तो शेर जो है वो मानव को कहता है कि तुमने जो है अधिकतर जो हमारे वृक्ष हैं, हमारे पेड़ हैं, वो काट लिए और इस जमीन को कैसा बना दिया, बंजर. Hunters and smugglers among you attacked my kingdom again and again. तो जो तुम्हारी जाति में शिकारी और तस्कर हैं, उन्होंने मेरे राज्य पर बार बार आक्रमण किया. You either killed or captured my animals and birds. और तुमने हमारे जानवरों को या तो मार दिया या उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया. यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज. तुमने हमारे संसाधनों को लूटा. यू आर मर्सीलेस. तुम बहुत ही निर्दयी हो. यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स. तुमने हमारे जंगलों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया. वन के जो हैं, पेड़ पौधों के अनेकों लाभ होते हैं, लेकिन फिर भी तुमने एक बार नहीं सोची, इसको नष्ट कर दिया. इवन नाउ आई एम द किंग. मैं अब भी राजा हूं.
बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरे साम्राज्य और मेरी प्रजा का क्या हुआ है, वो तुमने नष्ट कर दी है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो ऐसी जो है खराब हालत हुई ही क्यों। आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या इस सब के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, जो मानव है वो जिम्मेदार नहीं है क्या। आरंट यू थिंक वेल, प्लीज फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो जो जंगल का राजा है वो कहता है कि सोचो इसके बारे में, और ये जो नुकसान हुआ है, ये जो भारी नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ इसका सॉल्यूशन निकालो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये जो बड़े बड़े जंगल जो हैं हमने नष्ट कर दिए, हमने पेड़ों को काटा, हमने जो पूरा हमारा एनवायरनमेंट है उसको खराब कर दिया, हमारे नेचर को हमने हानि पहुंचाई, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। तो बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने भी थोड़ा एक प्रयास किया है इस नेचर को बचाने का, जो अभी मैंने आपको बताया था सुपर अर्थ फाउंडेशन। और अगर आपको लगता है कि नेचर के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे है इसकी एक्सरसाइज, तो पहले हैं वर्ड मीनिंग्स। तो आइए वर्ड मीनिंग करते हैं इसके। सबसे पहले है किंगडम। किंगडम मतलब ए टेरिटरी ऑफ स्टेट, साम्राज्य, साम्राज्य जो हम बोलते हैं दैट इज किंगडम। नेक्स्ट कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मतलब टुक एज प्रिजनर्स, कैप्चर करना, किसी को बंद करना, कैदी, कैदी बनाना। फॉन्स, यंग वन ऑफ डियर, हिरन के बच्चे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉन। वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मतलब किसी की पूजा करना, सर्विस पेड टू ए गॉड, पूजा की। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब ही स्वार्थी, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, स्वार्थी। टस्क्स, आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के बाहर के दांत जो होते हैं, जो बोलते हैं हम हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो जो दिखाने वाले जो दांत होते हैं उसके बाहर वाले दो दांत होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टस्क। अगला है क्लॉ, ए कर्व्ड नेल ऑन द टो ऑफ एन एनिमल, पंजा। डिक्रीज्ड, बिकेम स्मॉलर, घट गया। स्मगलर्स, वन हु सेल एंड बाय थिंग्स, तस्कर जो हम बोलते हैं। मर्सीलेस, शोइंग नो पिटी, निर्दयी, जो बिल्कुल दया नहीं दिखाते। डिस्ट्रॉय, डैमेज, किसी चीज को नष्ट करना। सिविलाइज्ड, पोलाइट, रिफाइंड, सभ्य। रिसोर्सेज, नेचुरल वेल्थ, संसाधन। बेनिफिट, यूजफुलनेस, फायदा। तो वर्ड मीनिंग से आगे चलते हैं। अब है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द किंग, टिक देम। अगर जंगल के राजा शेर ने ये बातें कही हैं तो आपको टिक करना है, अगर नहीं कही है तो उसे ब्लैंक छोड़ दें, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जंगल के राजा ने क्या क्या कहा। तो बच्चों ये जो है मैंने आपके लिए टिक लगा दिए हैं। फर्स्ट है, माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटीफुल, मेरा जो साम्राज्य है वो कभी सुंदर था ही नहीं, तो जो कि बिल्कुल गलत है, ये जो है ये बात शेर ने नहीं कही। अगला, माई बर्ड सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, यस ये बोला गया था। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, बिल्कुल गलत, उनके साथ जो हिली ट्राइब्स हैं वो रहते थे, शेर ने बताया था। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, यस ही वॉज प्राउड। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड, बिल्कुल सही, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी मर गए। आगे है इसके क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, तो सभ्य लोगों के आने से पहले वो जो फॉरेस्ट था वो कैसा था। तो जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, तो वहां क्या थे, अनेक पेड़ पौधे थे और जीव जंतु भी थे। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द हिल ट्राइब लुक अपॉन द फॉरेस्ट, जो वहां पहाड़ी कबीले जो थे वो किस प्रकार उन जंगलों को देखते थे। तो वो जो पहाड़ी कबीले थे वो उस जंगल को अपने देवता की तरह पूजते थे, भगवान की तरह पूजते थे। तो नेक्स्ट इज, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, तो जंगल को नष्ट किसके द्वारा किया गया और किस प्रकार किया गया। तो जो सभ्य मानव थे, मनुष्य थे, सिविलाइज्ड पीपल,
वही रिस्पॉन्सिबल थे इसके डिस्ट्रक्शन के लिए। दे कट डाउन द ट्रीज एंड किल्ड और कैप्चर्ड फॉरेस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। उन्होंने जीव जंतुओं को अपना कैदी बना लिया या फिर उन्हें मार दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हमें जंगल को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, एक तो पेड़ पौधे ना काटें, और दूसरा जो है जंगली जो जीव जंतु हैं उन्हें परेशान ना करें, उन्हें मारें ना। तो इस वे में जो है हम जंगलों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट वर्ड और फ्रेजेस इन पैराग्राफ 5 to 6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें हमें जो फॉरेस्ट का जो किंग है, राजा है, उसके गुस्से का पता चलता है, एंगर का पता चलता है। तो 5th 6th जो पैराग्राफ था उसमें जो है जंगल के राजा ने क्या कहा था? ग्रीडी एंड अनकाइंड सेल्फिश वांट्स रोब्ड आवर रिसोर्सेज अटैक्ड माई किंगडम मर्सीलेस। तो बिल्कुल निर्दयी होके जो है हमारे किंगडम पर, हमारे राज्य पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया, हमें लूटा गया। तो आइए आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें येलो बॉक्सेस में दो वर्ड दिए हुए हैं, एक फॉरेस्ट और सेकंड इज जू। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हमें बाकी यहाँ बॉक्सेस में लिखने हैं। तो लेट मी डू इट फॉर यू। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने जो है आपके लिए कर दिया है। यहाँ हम फॉरेस्ट से क्या क्या रिलेटेड है, बर्ड्स होते हैं वहाँ, वाटर स्प्रिंग्स, झरने, तो बुशेस, क्लाइंबर्स, एनिमल्स, तो ये सब जो है हमें फॉरेस्ट में मिल जाता है, ये आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज जू। जू में हम क्या देखते हैं? मोस्टली जो है एनिमल्स वो हम देखते हैं, मंकी, लॉयन, बर्ड्स और स्नेक्स, टाइगर्स एंड जेब्राज। तो आइए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। फर्स्ट इज लॉयन। तो लॉयन के जो यंग वंस हैं उनसे हम बोलते हैं कब। अगर आपके पास बुक है इंग्लिश की तो आप बुक अपनी साथ लेकर बैठे और इन्हें फिल करते रहें और इन्हें मैच करते रहें साथ साथ। तो फर्स्ट है लॉयन, लॉयन का हो जाएगा कब, CUB कब। सेकेंड इज DWR डियर। तो डियर के यंग वंस फॉन, FAWN फॉन। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स यंग वन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ट, COLT कॉल्ट। नेक्स्ट काउ, एंड द यंग वन ऑफ काउ इज काफ, CALF काफ। नेक्स्ट कैट, कैट इज किटन, यंग वन ऑफ कैट इज किटन। नेक्स्ट इज डॉग, यंग वन ऑफ डॉग इज पपी, PUPPY। नेक्स्ट इज पिग, एंड द यंग वन ऑफ पिग इज पिगलेट। तो आइए, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब है ग्रामर पोर्शन। पिक आउट द वर्ब्स। तो वर्ब्स जो है वो क्या होती हैं? वर्ब्स हमने बताया था आपको, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं जिससे हमारे किसी काम का पता चले, काम के होने का पता चले, तो वो होते हैं वर्ब्स। जैसे आई एम ईटिंग, तो वो जो ईट है दैट इज एक्शन वर्ड और उसको हम बोलेंगे वर्ब। आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग, वॉक क्या हो गया, एक्शन वर्ड, तो दैट इज वर्ब। आई ड्रिंक वाटर, ड्रिंक, ड्रिंक क्या हुआ, पीना, तो पीना क्या है हमारा, एक एक्शन है, एंड दैट इज वर्ब। तो आइए पढ़ते हैं इसे। पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज एंड चेंज देम इनटू नाउन्स, वन हैज बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं, लिव, लिव का नाउन क्या होगा, लाइफ। तो ऐसे ही ये बाकी जो है हमें उस पैराग्राफ से देखने हैं और यहाँ हमें फिल करना है, तो ये मैं आपके लिए फिल कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करें और आप अपनी नोटबुक में से उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेट मी फिल इट फॉर यू। पहले में आएगा PUPPY पपी, एंड देन एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ हिज होम या हाउस। देन रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। शेर वॉज लॉस्ट, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। रीटा वॉज वेरी सैड। रीटा कैसी थी, सैड, उदास हो गई थी। वेन शी रीच होम शी गॉट इन टू हर रूम, वो अपने कमरे में गई।
ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, कैन यू गेस व्हाट, रीटा वॉज वेरी हैप्पी। तो जब उसका पपी उसे मिल गया तो वो क्या हो गई, खुश हो गई, हैप्पी। नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन। कृष्णा वेंट टू जू विद हिज पेरेंट्स, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द जू कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग हिंट्स। तो यहाँ हमें कुछ हिंट दिए हुए हैं। फर्स्ट इज व्हेन ही वेंट, मतलब वो कब गया, किस टाइम गया, विद हुम ही वेंट, किसके साथ गया, हु एल्स ही वेंट विद, और कौन कौन उसके साथ गए, थिंग्स ही टुक विद हिम, उसने अपने साथ क्या क्या सामान लिया, और उसे जू में घूमना, एनिमल्स को देखना, वो सब कैसा लगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो यहाँ उनके बेस पर यहाँ अपनी स्टोरी जो है लिखनी है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखे, राइट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज फॉलो अप, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। जंगली जानवरों की आपको जो है पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, कहीं से भी, किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से जो है आपको उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उनको आपको पेस्ट करना अपनी नोटबुक में। तो आज जो है ये हमने किया है सेकंड लेसन द लॉयन किंग, और ये जो सेकंड लेसन है हमारा कंप्लीट हुआ। तो इंग्लिश की अगली वीडियो में लेसन 3 के साथ हम फिर आएंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और घर पर ही रहें। ये जो लॉकडाउन है बच्चों, ये 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो आप अपने घरों में ही रहें। धन्यवाद।